हनी भाई की लाइव डील डेरे पे। ये नीली रावी की भैंस आ गई है। ठीक है, एक हो। एक दो तीन चार चार। स्टार्टिंग में मांगे कितने दानी भाई ने? 40,000 रुपया। देखें जी, थोड़ी सी डिमांड है, थोड़ी सी कमी करके दे दिए। हो गई दानी भाई डील? कितने की? 55 की जी, वो बकरी दिखाई थी। 60 मांगा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बरोज़ एतवार और आया हूँ मैं दानी के डेरे पे हरीपुर में। माल आया था कुछ नया, मेरा कुछ काम भी था, मैंने कहा जाते हुए चले आप दोस्तों को शौक भी करवा दूँ, क्योंकि इस मरतबा जुमेरात की भी वीडियो नहीं आई दानी की और जुमे की भी। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो काफ़ी सारी माशाल्लाह से पट्ठे आई हैं, कुछ बकरे आए हैं, तो सबका शौक करवाएंगे। एंड तक देखेंगे वीडियो, जो दोस्त नहीं है चैनल कर रहे सब्सक्राइब, ताकि मजीद आने वाली नई से नई वीडियो मिले आपको बर्बाद। तो इतवार के दिन की वीडियो है, आज डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन दिन इतवार की, आज के दिन ही मंडी ये लगेगी वीडियो। तो ये है दानी भाई का डेरा और ये है बाहर इनकी चराई की जगह खुली, ये साथ ही मेन रोड जा रहा है ये ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दानी भाई। वालेकुम सलाम जी। वेलकम बैक। हाल है जी मुदस्सिर भाई? ठीक है, अल्लाह पाक का सुने देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप जो है ना टाइम निकाल के हमारे डेरे पे आए हैं जी। वैसे आप जाते तो नहीं है किसी के डेरे पे, कम जाते हैं, लेकिन जो है ना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो है ना आप टाइम निकाल के आए हमारे पास। नया माल आ गया है, ये मेरे ख्याल से दे भी दी है, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह से पट्ठे दोनों नागरे कलर में, बहुत बेहतरीन चीज़ें थी, लेकिन अल्लाह पाक नसीब करे। कितने की दी हैं? ये भाई आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। क्या नाम है अपना? उस्मान नाम है। उस्मान से हरीपुर नहीं हूँ, हरीपुर के हैं जी। कितने नहीं हो यार? ये बस फैनल दानी भाई ने 35 आके लगों में से जो रक्षे का किराया 1000 रुपए छुआई के। अच्छा, माशाल्लाह से दो ये 35 नहीं है दोनों जी? माशाल्लाह से देखें, जबरदस्त चीजें, अल्लाह पाक नसीब करे। ये एक बगैर सिंगों की है, वो वाली सिंगों में है, ठीक है नागरा कलर माशाल्लाह से जोड़ा है, लेकिन अल्लाह पाक नसीब करे, बहुत बेहतरीन है। स्टार्टिंग में मांगे कितने दानी भाई ने? 40,000 रुपया। देखें जी, थोड़ी सी डिमांड है, थोड़ी सी कमी करके दे दिए माशाल्लाह से, अल्लाह पाक भाइयों को नसीब करे बेहतरीन। 5,000 छोड़ा है जी। ठीक हो गया, तो भी नहीं छोड़ा। चले अल्लाह पाक नसीब करे इनको, ले जाए जी। दानी भाई की लाइव डील डेरे पे, पहली डील दिखा रहा हूँ, मंडी में तो होती रहती हैं। डेरे ठीक है? डेरे पे ठीक है जी, मंडियों पे जो है ना पर्ची वगैरह सीन होता है ना। अच्छा, डेरे पे पर्ची नहीं होती, जिसने माल लेना है डेरे पे आ जाए। हाँ, जिसने लेना है वो डेरे पे आ जाए। आज ये बकरी दिखाते हैं, बाकी भी माल काफी सारा है, वो कमरे में बांध है, लेकिन एक एक करके निकाल के दिखाएंगे। ये बकरी चेक करें, बड़ी नयाब बकरी आई है, चार थनों वाली भैंस नस्ल की। बिल्कुल जी, हमारे स्पेशल बकरी आई है, चार थनों वाली ये भैंस है, चारों में दूध आता है। बिल्कुल जी, चारों थनों में दूध आता है जी। ये नीली रावी की भैंस आ गई है। ठीक है, एक एक दो तीन चार चार बच्चे थे, चार। एक नयाब चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत है, देखें भैंसों में दो थनों वाली भी भैंसें आती हैं, बकरियों में चार थनों वाली बकरियां भी आती हैं। ये ठीक है, इसमें फॉल्ट नहीं है, चार थन चालू हैं और अभी बिल्कुल जवान, छह दांत, एक सुआ किया होगा इसने, छोड़ दें जी। उसके बाद आ गई दूध वाली शेरी बकरी, माशाल्लाह से आगे तैयार करने के लिए बहुत अच्छी बकरी है। ये देखें अभी दूध भी है इसके पास। दानी भाई क्या डिटेल पे है? दांत बिल्कुल फ्रेश, 8 दांत तकरीबन, एक दो सुए किए हैं, दो सुए। जरा खोलो, दूध कितना है इसके पास अभी? जो है आधा आधा किलो, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, दोनों टाइमों का हो गया 1 लीटर। ये जाके अच्छी खुराक दें, रात को खाली की हुई है मैंने, ठीक हो गया, तो ये इंशाल्लाह दूध भी देती रहेगी। बैस ये है कि आगे जाके क्रॉस करवा लें, ठीक है, अभी सीजन अच्छा, ब्रीडर देखे ना। क्या डिमांड है इसकी? 42,000 रुपया, जिसमें भी थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी। फाइनल जो है ना, कितने की? 38 की हो जाएगी जी फाइनल, बिल्कुल। देखें माशाल्लाह बकरी का कद काट के देख लें, कलर भी खूबसूरत है, दूध वगैरह जो है ना वो भी अच्छा है। आगे क्रॉस करवाएंगे, अच्छा ब्रीडर देख के अच्छी बकरी आपकी तैयार हो जाएगी। ये तैयार बकरी हो कम अज कम 60-70,000 रुपये की बकरी है। उसके बाद माशाल्लाह से दोगली डब्बे जो ना कलर में बकरी आ गई, बड़ी प्यारी सी। दांतों में ये क्या है दानी भाई? बिल्कुल जवान, ये भी तकरीबन दूसरे तीसरे सुबह में है। ये पीछे बच्चा है इसके, फीमेल माशाल्लाह देखें कितना प्यारा है, बहुत प्यारी है।
बकरी के पास दूध भी अच्छा होगा इसीलिए बच्चा अच्छा पला हुआ है। के दौरान ही एक और डील भी हो गई है, पहले दो पट्ठों की हुई थी स्टार्टिंग में, अभी ये बच्चा आया था एक माशाल्लाह से बड़ा VIP किस्म का। और ये पिंडी से आए हैं टेंच बाटा से भाई, इन्होंने परचेज कर लिया है, अल्लाह पाक नसीब करे, ये चेक करें माशाल्लाह से चीज़। ये देखें इस तरह की नायाब चीज़ें भी कभी कभार आ जाया करती हैं, नसीब से मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्रिया। नाम बताएं अपना। इमरान नाम है। इमरान, ये टेंच बाटा में दो मरतबा इनकी वीडियो भी मैंने शूट की थी, जानवर इन्होंने रखे हुए उधर, तो ये बकरियों के लिए उन्होंने ब्रीडर बनाना है। तो खुश हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ये चीज़ बस नसीब से मिली। ऐसा ही है। तो बस छोटे छोटे भी, हाँ जी, ये छोटे बच्चे भी साथ आए हैं लेने सारे, जो ना अल्लाह पाक नसीब करे। बहुत प्यारी चीज़ है जी। ये देख लें, व्यापारी भाई हमारे जो ना ये दानी की फील्ड के बंदे हैं, नुरदाद भाई, उनके साथ डील कितने की हुई थी? उनकी 57 की जी बिल्कुल। तो ये और इनको जो है ना 5,000 डेरे पे इसलिए छोड़ा है इनके साथ, जो है ना बस डेरे पे आए, घर आए, बंदे की इज्जत कर दिया और बड़े जो है ना समझे कि दीद लिहाज करके दे दिए। 5,000 लगे जो है ना रेट से छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि चलें अल्लाह पाक उनको नसीब करे। ये 53,000 रुपये का सेल हो गया, ये अभी क्या पता वीडियो में आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा हो, अल्लाह पाक उनको नसीब करे। ये 53,000 रुपए का सेल हो गया, ये अभी क्या पता वीडियो में आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा हो, लेकिन ये देख ली दानी साथ खड़ा आगे देख लें, लेकिन ये चीजें बात वही है कि ये तोल के नहीं ली जा सकती, ठीक है। ये तकरीबन 4 से 5 महीने का बच्चा है बस, अभी इसके साथ का एक और भी है लेकिन वो दोना लग गया, वो थोड़ा बड़ा है इससे, वो भी दिखाएंगे, बाकी जो पट्ठे छठे दिखाएंगे उनके साथ दिखा रहा था। बीच में डील स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, काफी देर, एक घंटा तो हमारा डील पे निकल गया, अल्लाह भला करे। तो दान चांद दिखा दिए थे, पहला दूसरा सुबह इसके पीछे वो बच्ची है और साथ उनके लेडीज थी, ये 5,000 रुपया उनकी इज्जत थी, घर आए बंदे की इज्जत थी, ठीक है। मार दो ना उसके साथ बंदा सौदेबाजी करते भी अच्छा लगता है। व्यापारी का रेट लगा था जी, ठीक है, व्यापारी का रेट लगा था, आगे उसने भी बेचना है, लेकिन चलें उसके साथ हम मात्र यही कर लेंगे, चलें एक और ज्यादा हमारे पास आई, हम उसने उसकी जो ना इज्जत की है। बिल्कुल ऐसी बात है, खोलो जरा, ये खाली हो गया साहब, पी गई बच्ची, बच्ची ने सारा है, रे वाना ठीक है, माशाल्लाह लेवाना ठीक है, बच्चा देखें कितना मोटा ताजा है, दूध अच्छा है। सुबह मतलब पैसे इसके 60,000 रुपया जी, ये देख ले माशाल्लाह, बकरी भी प्यारी है, बच्ची भी गारंटी के साथ देंगे जी। बच्चे को ना पिलाएं 1 किलो टाइम का, बच्चे को ना पिलाएं, हां जी, बच्चे को अगर पिलाएं तो 2 टाइमों का किलो दे देगी बच्चा, बिल्कुल आधा आधा किलो, एक थान बच्चे को दे या खुद निकाल लें, अच्छी खुराक देंगे तो। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है वो, देखें शाइनिंग वाली बच्ची, ठीक हो गया, बस यही है। इसके बाद और भी है, बकरा अभी जो दिखाया उसके साथ का बकरा दिखा दे, फिर पट्ठों की तरफ चलते हैं। अभी जो बकरा दिखाया है बिल्कुल उसी के साथ का जेट ब्लैक में, लेकिन ये धुंधा हो चुका है, बड़ा है उससे, वो छोटा था ना, ये देखिए माशाल्लाह। ये अगर किसी ने बकरियों के लिए ब्रीडर रखना है ना, तो ये इसके कान पे मेरे ख्याल से पीछे कोई इसको हुआ है ना, जो डॉक्टर ने कट लगा दिया, लेकिन इसका इशू नहीं है, ये कुर्बानी हो जाएगा। वैसे आप किसी मुफ्ती वगैरह से मशवरा भी कर लें, ठीक है, हम तो मुफ्ती हैं नहीं है, बस यही है, क्योंकि वो हमने जो पढ़ा है कि जो थाई इससे आप पता नहीं कितना हिस्सा हो कटा हो ना, अगर ये कटा भी नहीं है ना, ये बीच में से सुराख है, ठीक है, ये तो टैग लगाते हैं, टैग में भी सुराख हो जाता है, लेकिन इसका खास इतना इशू नहीं है। ये देखिए छोटा सींग है, वाइट आइज में और 2 दांत में, ये अगर बकरियों में जाके ब्रीडर छोड़ें या खसी करा के कुर्बानी के लिए तैयार करें बेहतरीन है। बाकी जिन दोस्तों का डाउट हो वो अपना मुफ्ती साहब से क्लियर करवा के फिर आगे लेके जाएं। चीज़ आपके सामने दारी भाई, डिमांड बस नज़दीक नज़दीक वाली बात करनी है। अभी इससे छोटा जो बेचा है वो तो सबको पता चली गया, 53,000 रुपये का दिया, और ये कितने का होगा? 60 में से जो है ना 2,000 छोड़ देंगे, 2,000 छोड़ देंगे, 60 में से 2,000 छोड़ देंगे। ये बकरा भी उससे बड़ा है माशाल्लाह, वजन में भी ठीक है, देखिए वजन में एक्टिव है, ये खसी करवा के तैयार करे तब भी ठीक है, ब्रीडिंग भी करता है, ठीक है, ब्रीडिंग भी करता है बिल्कुल। अभी 2 दांत मैंने ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, पट्ठों के साथ जो बंदा लेना चाहे उसको भी देंगे, पट्ठों के साथ भी दे देंगे, पट्ठे भी दिखाते हैं आपको, चलो आओ बिस्मिल्लाह करो, पट्ठे दिखाओ भाई। आज दिन कोई अच्छा है, वीडियो बनाते बनाते अभी तकरीबन 10 मिनट की वीडियो होगी और 3 घंटे लग गए हैं। पहले वो 2 पट्ठों की डील थी, फिर बकरे की, अभी एक बकरी की डील होने लगी, अभी अभी जो बकरी दिखाई है ये काली डब्बी बची वाली ना, हो गई दानी भाई डील कितने की? 55 की जी, वो बकरी जो नहीं दिखाई थी 60 मांगा था, 60 डिमांड थी, 55 की हो गई ये डील, बकरी ये बकरी देखें बची वाली।
अभी बाकी का भी माल दिखाते हैं, उनमें से भी इधर खड़े खड़े सेल हो रहा है, इस वजह से वीडियो रोकी हुई है। आज घर में मंडी बनी हुई है, इसमें पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं है मंडियों में, 5% 6%। ये भाइयों को जबरदस्ती वीडियो में लेके आ गए, कहते हमने वीडियो में नहीं आना, ये भाई फिर भी भाग गए। चप्पलियां ये ले लिया इन्होंने, पंजाबी गल कर सो उर्दू च, इनको जी आप उर्दू च, इनको उर्दू च। अच्छा अच्छी हो गई है बकरी जी, जी माशाल्लाह बहुत अच्छी, जो दिखाई वही चीज मिली जी, जी जो आपने दिखाई है माशाल्लाह वही चीज। चले अल्लाह पाक नसीब करे आपको, आमीन आमीन, जजाक अल्लाह। 9:45 मैं आया था, अल्लाह भला करे, और अभी टाइम हो गया 12 बजे का। ये भाई कहते हैं मुझे वीडियो में नहीं ले गया, मैं बिल्कुल नहीं ले गया था। ठीक है दानी भाई, 9:45 से हो गए 12, 4 घंटे और ये वीडियो बन रही है 4 घंटे की, ये कोई फिल्म रिलीज हो रही है। मका यार अभी उसके बाद मैं दिखा रहा था पठे, वो भी इधर खड़े खड़े, मेरे ख्याल से डील हो गई है, होने वाली है, बस वो बयाना रह गया। चलें जी बयाने के वाले से एक और बात आपको क्लियर कर दें, बात ये है कि आजकल जो है ना, मतलब बंदे देखते हैं वीडियो तो ले लेते हैं ना जानवर, फटाफट बयाना लगा देते, कोई और ना ले ले, कोई और ना ले ले ना, ठीक है। पहली बात ये है कि जहाँ से भी ले, ये नहीं कहता आप मुझसे ले, मुझे लालच भी नहीं है, ठीक है ना, तो जहाँ से भी ले देख सुन के जो है ना डील करें, डील करें। और ये इस वजह से कह रहे हैं, 2 डीलें कैंसिल हुई हैं ना, उसमें गिला ये है कि वीडियो में चीज़ बड़ी नज़र आ रही है और है छोटी, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, दानी की बनाता हूँ या किसी की भी बनाता हूँ, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर करता हूँ, वीडियो में चीज़ कुछ और दिख रही होती है, लाइव कुछ और होती है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो फ्रॉड होता है, या तो चीज़ चेंज हो जाती है या बीमार सुस्त आपको भेज देंगे, ये चीज़ आपको नहीं होगी, ठीक है, जानवर बीमार नहीं जाएगा और जानवर चेंज नहीं होगा, सबसे बड़ी ऑनलाइन की गारंटी यही है। और बाकी छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि वीडियो में देखने में कुछ और होती है और लाइव देखने में चीज़ कुछ और होती है। आपको जिसमें जिस किसी को डाउट हो ना कि बड़ी छोटी चीज़ है, आप मौके का विज़िट कर लें, मौके पे जब विज़िट करेंगे ना तो वो आपको फिर आप किसी चीज़ का गिला ही नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी ये है कि आपने अगर डील कर ली है, बयाना आपने भेज दिया है, क्योंकि जब आप बयाना भेजे थे ना ऑनलाइन में, तो आपको पता है एक चीज़ के 10-10 कस्टमर लगे होते हैं, आप एक बंदा बयाना लगा देता है उसकी वजह से पीछे कई बंदे रुक जाते हैं, उनको हम बता दें कि माल सेल हो गया है, फिर आप मौके पे आएँ, ठीक है, माल देखें कि नहीं ये छोटा है, ये इस तरह का मसला है, आप इस जो है ना हिसाब से डील कैंसिल कर सकते हैं, जानवर बीमार है या जानवर चेंज है, आप डील कैंसिल कर सकते हैं। छोटा बड़ा ये पहले वीडियो में बता रहे हैं, अगर छोटा बड़े का मसला हो तो मौके पे आप जो है ना आगे डील करें, ठीक है, इस तरह बयाना ना लगवाएं, एक बंदे के बयाना लगवाने की वजह से कई कस्टमर जाया हो जाते हैं, ठीक है, बात नसीब की है। बयाना लगाया था फिर अभी कहता है बयाना वापस करें, एक पिंडी का भाई है ना 13 पट्टी, हाँ जी मुदस्सर भाई, उस सूरत में होगा वापस इस तरह होगा कि जो सुन्नत तरीका है जी, बयाने के साथ बयाना देंगे, अगर हमने सौदा कैंसिल किया ठीक, अगर उसने कैंसिल किया फिर बयाना वापस नहीं होता है, उस सूरत में भी हम बयाना वापस कर सकते हैं कि अगर जानवर में कोई बीमारी हो या जानवर चेंज हो, अगर जानवर आपने जो देखा है वो ये फिर बयाना चेंज नहीं है। फिर बात तो यही है ना कि अगर हम इसका अगर फर्ज किया बयाना लेते हैं और हम कहते हैं जी दूसरे कस्टमर को दे दिए ना, अगर 5,000 बयाना है आप 10,000 लें, ऐसा ही अगर आपकी चीज जो ली हुई है अगर बेच दी है फिर आप बयाना वापस डबल ले सकते हैं, 5,000 दिए 10,000 ले सकते हैं। ये सौदे के कुछ असूल होते हैं, कुछ दोस्तों को नहीं पता होता, वो फिर गिला कर रहे होते हैं जी ये चीज अब हमें पसंद नहीं है, ये छोटी है बड़ी है, अब बयाना वापस करें, अभी उनकी वजह से कई कस्टमर छोड़ने पड़ते हैं। फिर अगर एक चीज रुक जाए, व्यापार का काम है ठीक है, एक दिन रुकेगी क्या पता ये एक वीक खड़ी रहे, ठीक है, क्योंकि कस्टमर कहीं होते हैं फिर हट जाते हैं लेने को, तो बाद में भी अभी वो शेरी पट्टे बेची थी कितनी 10 बेची थी, उस दिन डील कैंसिल हुई है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन वो सारा माल बिक गया, ठीक है। इसके अलावा जुमरात वाले दिन हमारे एक भाई हैं, क्या पता वीडियो देख रहे होंगे, पिंडी के हैं, ठीक है ठीक है, उनको जो है ना 5 छोटे मैंने बच्चे दिए थे 12-12 के हिसाब से, उधर मंडी में 12-12 के बिके हैं आपके सामने, तो उधर ही जो है ना मैंने उधर ही बेची है, उसने बंदे ने 5,000 बयाना भेजा था, वो आया था वो कहता है बयाना वापस कर दें, जानवर पसंद नहीं छोटे हैं, हाँ छोटे हैं, मैंने कहा यार बयाना इस तरह वापस नहीं होता, आप भाई कोई और पसंद कर ले, फिर उन्होंने 2 पट्टे लिए, 2 पट्टे फिर मैंने, ठीक हो गया, ऐसे आप जानवर उसके अलावा कोई ले सकते हैं ठीक है, लेकिन ये बयाना इस तरह वापस नहीं हो सकता। हाँ अगर आप जानवर बीमार देख रहे हैं, जानवर चेंज है, फिर आप बयाना अपना वापस ले सकते हैं, बेशक बयाने के साथ आप डबल बयाना ले, डबल भी ले, ठीक है, वो देंगे तो बात ये गलत चीज सेल ही नहीं करते, सेल ही नहीं होगी मेरे सामने जी, कितनी मरतबा जो चीज गलत हुई है दानी के अबूरे कसाई को दी है, दानी जाकर कसाईयों को दे के आया, ठीक है, ऑनलाइन में हम कोशिश करते हैं कि किसी भाई के पास अगर कोई इतबार कर रहा है ना, चीज गलत ना जाए, छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन गलत नहीं होगी, इंशाल्लाह। बाकी चलें ये कुछ
जरूरी बातें थी, ठीक है, वो करनी थी। तो उम्मीद है आपके भी काफी सारे सवाल इससे क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये पट्टे अभी 10 पट्टे हैं, उसकी लाट बनाए 10 पट्टे वो दिखाते हैं। अच्छा, वो जो डील चल रही थी वो अभी हुई नहीं है? अभी हुई नहीं है। ठीक हो गया है, एक भाई के साथ डील भी जा रही है, क्या पता वीडियो लगने तक वो भी जाए। ठीक है, साथ साथ कस्टमर लगे रहते हैं। उसके अलावा आ गया जी 10 पट्टों का सेट, बीच में एक दोंदा ब्रीडर। लेकिन कोशिश करें अगर किसी ने एक साथ लेनी है तो पट्टे अभी क्रॉस ना करवाएं, 3-4 महीने मजीद वेट कर लें, पट्टे मजीद ग्रोथ कर जाएं। ब्रीडर तो तैयार है बिल्कुल, दो दांत में, ठीक है, इसी तरह दिखा दें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ना। एक एक करके भी ऐसे छोड़ते जाए ना, ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, एक एक करके सिंगल सिंगल करके, ठीक है। ये देख लें जी, इसमें एक ये फुल जेड ब्लैक में उम्र, अगर मैं कंसीड करूँ मुझे मेरे ख्याल से दोंदी इसमें है कोई? दोंदी जो है ना एक शायद होगी, एक शायद वाली बात है, दोंदी है, दोंदी को अभी आप क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। दोंदी की चलो उम्र पक्की हो गई, ये दो पे शक है, चीनी जो जोड़ा है और ये अभी और ये एक दांत तोड़ा है निकाल रही है, ये अभी हुई नहीं है। बाकी सारा खीरा, बाकी सारी खीरे उनकी उम्र है तकरीबन 6-7-8 महीने तक, ठीक है। इसमें ये देखें काली डब्बी है, ये चीनी कलर में है, ये लाल डब्बी है, फिर लाल डब्बी है, सफेद है, ठीक है। और ब्रीडर के साथ ये काली डब्बी खड़ी है, ये देखें माशाल्लाह, ये भी तकरीबन 7-8 महीने की। देखें आप ब्रीडर देख लें और इसका कद काठ देख लें, अभी इसने मजीद ग्रोथ करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है आप जो है ना किस तरह इनको रखते हैं। ये देखें ये फुल जेड ब्लैक में, ये भी तकरीबन 6-7 महीने की। उसके अलावा ये शेरी भी है, सफ़ेद भी है, हर तरह का कलर है। ये देखें, ये देखें ये शेरे में मोनी, ये राजनपुरी क्रॉस में आ रही है गुलाबी माशाल्लाह से सफ़ेद, तो ये लाल डब्बी भी है। उसके अलावा काली डब्बी दो हैं, दो चीनी हैं, एक वाइट है, एक शेरे कलर में है। तो ये सारी पट्टे हैं, इनके क्या दानी भाई रेट हैं? सर भाई वैसे तो मंडियों पे जो है ना 32-35 हज़ार। अच्छा, हिसाब से नहीं, अभी देने वाले ब्रीडर को निकाल के, ब्रीडर को निकाल के जो है ना 28 हज़ार के हिसाब से, 28 हज़ार के हिसाब से। इसमें भी गुंजाइश है, इसमें भी आपके चैनल के तवस्सुल से जो बंदा आएगा ना 1000 उसके छोड़ देंगे, 27-27 में फाइनल कर देंगे, 27-27 में। और ब्रीडर, ब्रीडर कितने का होगा? ब्रीडर 55 का देंगे, 55 का ब्रीडर हो जाएगा जी। ये देखें ये ब्रीडर 7-55 का हो जाएगा, अलग से भी आपको रेट दिया, ठीक है। ये पूरी लाट है, इसके अलावा 6 पट्टे हो रहे हैं, छोटी हैं, उसकी छोटी भी दिखाते हैं 6, ठीक है। ये 10 पट्टों की लाट है। अगर सिंगल सिंगल इसमें लेस में सबसे कम रेट कितना है और सबसे ज्यादा कितना है? सबसे कम रेट जो है ना 22,000 है। 22,000 और ज्यादा ज्यादा 32,000, ठीक है। 22 से 32 तक है अगर अलग अलग लेंगे, वो आप फिर एक एक जानवर करके इनका रेट ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये सफेद वाली का, बाकी ये देखें इनमें कांज वगैरह नहीं है, वो उसकी गारंटी होगी क्योंकि आजकल जो ना पट्टों में होता है ना ऐसा ही है, बकरों में भी कांज आते हैं लेकिन वो बताते नहीं है, कहीं होते हैं लोग वो ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है, बकरा बना के दे देंगे, पट है तो पट में से कांज आता है, वो कहते हैं ये पट है, वो क्रॉस आगे होती नहीं है, बच्चे शच्चे देती नहीं है, फिर फायदा नहीं होता। उसके अलावा 6 पट्टे ये हैं जी, ये छोटी हैं, ये तकरीबन 5-6 महीने वाली हैं। ये कालियों का जोड़ा, दानी भाई ये कालियों का जोड़ा अलग करो ज़रा, ये बड़ी प्यारी मुझे लगी है माशाल्लाह, ये देखें बस, ये देखें आप दोनों मोनी लग रही बहनें हैं लेकिन बहनें होंगी नहीं ये, ठीक है, ये देखें दोनों मोनी, जैसे वो 3 काले बिल्ले दिखाए थे वो तो गए सारे गुजरात। उसके अलावा एक और भाई जो हमने एक वीडियो में दिए थे बकरा और एक पट्टे काले, तो दोस्तों जिस बकरे और पट्टे की बात हुई थी ये माशाल्लाह से जिस भाई ने शौक करना है, शौक वाली चीज़ें हैं माशाल्लाह से, बहुत आउट क्लास चीज़ें हैं। रब्ता कर सकते, दानी से रब्ता करें या आपको जो ना आगे कॉन्टैक्ट करवा देगा वो बंदा जो है ना, कहता है मैं सेल करना। अच्छा, वो उन्होंने आगे सेल करना है, वो दानी से रब्ता करें, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, वो जानवर भी मिल जाएंगे। टैक्सला मंडी में एक बकरा और पट्टा दिखाए थे, सही शौकिया पट्टा है, ठीक है। और ये उसके अलावा 5-6 महीने वाली, 4-5 महीने यही उम्र है इनकी। इनके पैसे पुट्ठे के हिसाब से जो है ना तकरीबन डिमांड तो 22,000 देने देने वाले, 18.5 के हिसाब से ये मिल जाएंगी जी छोटी पट्टे। ये देखें 6 पीस, ये तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने की होगी ना, 3 महीने, बड़ी प्यारी सी है मोनी। ये इसमें लाल डब्बे कलर में नागरे में, इसकी एज ज्यादा लग रही है, बाकी बिल्कुल छोटी छोटी है, कमजोर है ना, रात को लाएंगे। अच्छा अच्छा, बाकी ये जो खीरी है ये 18.5 के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। ये दो इसमें सबसे बड़ी ये काली है, ये अलग से बेचे मेरे ख्याल से अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, अलग से 45 का बस दी एंड 0311-5999 नहीं 0310-006-009 10 जी नंबर तो सारा जुबानी याद को नहीं 0348-4565 चस्का पार्टी इधर क्योंकि इसने कॉल उठानी नहीं होती, लेने वाले उधर। बाकी एक और बात मुझे याद आ गई वीडियो बनाते बनाते, कुछ भाई जो है ना कमेंट करके चले जाते हैं जी इतना फ्रॉड दानी ने कर दिया। एक भाई ने तो मेरे पे भी कमेंट कर दिया, हालांकि मैंने बेचा क्या है मुझे तो ये भी याद नहीं है, कहते 17,000 का आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है,
तो आपको अल्लाह पूछेगा। मैंने कहा कोई शक नहीं है, हमने अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह ताला हमसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन मैंने नंबर भी भेजा है उनको कमेंट में, मैंने कहा ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे आएँ मुझे बताएं। मैंने 70,000 की बेची क्या चीज़ है, मुझे तो खुद याद नहीं मैंने 70,000 का बेचा क्या है। 75 के मैंने 3 मेंढे दिए थे, ठीक है, और राना साजिद भाई को ना टोबा टेक सिंह में, वो अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे दिखाए हैं वैसे उनके पास पहुंचे हैं। उनके पास एक्सपायर हुआ है छोटा बच्चा जो है, रात को उन्होंने कहते हैं ठीक ठाक बंद है, रात को वल्लाह आलम किसी चीज़ ने काटा है, लेकिन वो काफ़ी दिन गुजरने के बाद वो जो है ना एक्सपायर हुआ है। कि ये कुछ ज़रूरी बातें थी, कमेंट ऐसे बेतुके ना किया करें। कोई आपका है अगर इस तरह का मसला परेशानी, व्हाट्सअप नंबर दिया होता है उस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी जो है ना बात क्लियर होगी और उन्हें और वीडियो में बताएंगे, ठीक है, अगर हमने धोखा किया हुआ या आपने वैसे इल्ज़ाम लगाया वो वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।